इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नए पुराने गर्म कपड़े, सूती कपड़े, चद्दर, जूते, चप्पल आदि वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम संयोजक सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि अध्यक्ष अलका मित्तल की अध्यक्षता में मीटिंग में ये तय किया गया कि आज 21 नवंबर को प्रातः 11 बजे जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के लिए नए व पुराने वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखा जाए। मुख्य कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी सहमति देते हुए मित्तल हॉस्पिटल एनीवी अलवर के बाहर कार्यक्रम का होना तय किया गया था। बहुत सारे कपड़े एकत्रित किए गए, उनको धुलवाकर प्रेस करवाकर रखा गया। साथ ही जगह जगह से नए व पुराने कपड़े, सूती कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, चद्दर आदि एकत्रित करवाकर आज तकरीबन 1500 वस्त्रों का वितरण किया गया, जिनको पाकर लोगों की आंखों में अलग ही चमक नजर आई तथा बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं दुआ देती हुई खुशी खुशी अपने पोते पोतियों व बेटा बहू के लिए कपड़े चुनकर ले जाती हुई नजर आई। स्वयं के लिए कुछ नहीं लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक शारदा कटारिया, सीनियर मेंबर मधु नादान, आशा थरेजा, मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस सी मित्तल आदि सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम को काफी सराहा एवं अध्यक्ष अलका मित्तल एवं कार्यक्रम संयोजक शारदा कटारिया को सफल कार्यक्रम की बधाई प्रेषित की। इनर व्हील क्लब की तरफ से हम लोग ये वस्त्र दे रहे हैं गड़िया लोहार के लेडीज को, बच्चों को, सभी को, जेंट्स को भी। और ये हमारा प्रयास है कि सब, अभी सर्दी भी आ रही है तो गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े सारे हमने यहाँ पे रखे हैं, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और सभी मेंबर्स का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। सब अपने अपने घर से जो दिवाली के टाइम पे अपने निकाले हैं कपड़े, तो वो हम आज यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, जब जब भी आपके पास टाइम हो तो उनके लिए कपड़े निकाल के उन्हें जरूर बांटें। अभी हम लोग गर्मियों के दे रहे हैं और सर्दियों के लिए हम दोबारा से आएंगे और कपड़े देंगे, जिससे बच्चे और बड़े लोग खुश रहें और उनको मिठाई वगैरह भी देते हैं। अब ये काम भी करते हैं हमेशा, क्योंकि बस्ती में आकर और उनके साथ कुछ बैठ कर करके थोड़ा बात करके अच्छा लगता है। इनर व्हील क्लब इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम समय समय पर करता है। आज इनर व्हील क्लब की ओर से गाड़िया लोहार के महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए क्लब ने गर्म, सर्दी के और ठंडे हर प्रकार के वस्त्र दिए हैं, जिससे कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसमें क्लब के सभी सदस्यों का बहुत सहयोग रहा है और बच्चों को जब उन लोगों को ये दिए हैं तो उनकी मुस्कुराहट देकर क्लब को बहुत ही खुशी और संतोष प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? इस तरह के करते हुए बड़ा अच्छा लगता है लोगों के लिए। चलो उनके चेहरे की खुशी हो, हमारी खुशी हो जाती है। कुछ देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो उनको सर्दी में थोड़ा आराम मिलेगा, कुछ अगर उनके काम आते हैं कपड़े, तो दिवाली पे हम लोगों ने इकट्ठे किए सफाई के लिए। गर्व की बात है कि मित्तल हॉस्पिटल के सामने उन्होंने कार्यक्रम किया। मैं सभी हमारे इनर व्हील की जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं अलका जी और उनके सचिव हैं शारदा कटारिया जी, इसके सभी जो एडवोकेटिव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके पास में फालतू पड़े रहते हैं कपड़े, आपके अलमीरा इसमें बंद होते हैं, कबर्ड में बंद होते हैं, उनको आप निकालें, पहनते भी नहीं हैं, आप निकालते हैं फिर रख देते हैं, निकाल देते हैं फिर रख देते हैं, परंतु परंतु उसको देते नहीं। तो देने का भाव जो है वो आना चाहिए सभी को, और ये बहुत अच्छा प्रयास है इनका। और मैं कहता हूँ कि जो जो हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है, तो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं और दोबारा से इनको बहुत बहुत। तो आज यह है इनर व्हील क्लब अलवर की तरफ से जो वस्त्र वितरण कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वस्त्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं और गर्म कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, बच्चों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए, हर तरह का जो वस्त्रों का जमावड़ा है यहाँ हुआ है। और आसपास के जो गाड़ूलिया लोहार का क्षेत्र है ऐसा है और जरूरतमंद लोग हैं उनको आज यह वस्त्र वितरण करके और यह सुविधा प्रदान कराई जा रही है। मेरी अपील है कि आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में जो एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं उनको देकर और ठंड से पहले पहले ये सभी वितरण कराने में सहायता करें।